हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि फ्लेयरिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे नए साथियों को यह प्रॉब्लम होता है कि रबर फ्लेयरिंग नहीं करते हैं तो लीकेज आ जाता है। फ्लेयरिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स होना मैं बताता हूँ। एक ये होना, ये अगर आपको टेक्नीशियन बोले कि भाई फ्लेयरिंग सेट लेके आओ तो इतना लेके आना है आपको। साथ में नोज प्लेयर रख लेना है, फाइल भी रख लेना है, कटिंग प्लेयर भी रख लेना है। चलिए हम आपको बता दें, ऐसा नट एक ले लेना है, हाफ एन इंच का, फैयत का, तिरियत का, कार्टर का, जो है ना वो ये हाफ एन इंच का है। हाफ एन इंच का 1-2 होता है, देख सकते हैं आप। सीधा दिखा देता हूँ, अब देखो तो 1-2 रहता है, वो हाफ एन इंच का होता है। हाफ एन इंच का फ्लेयरिंग सेट कभी भी उल्टा आता है। देखो ये पूरा सीधा है और ये एक जो उल्टा है ना, ये हाफ एन इंच का इधर आता है। शर्टिंग में मुझे भी कंफ्यूज हुआ था इसमें, वो तो कंफ्यूज नहीं होना इसलिए बता रहा हूँ। तो इसे ऐसे फंसाना है, बैठी नहीं रहे, थोड़ा लूज कर लेना इसे। और ऐसे थोड़ा लूज कर लेना ये, और ऐसे बैठा लेना है। फाइनली दोस्तों मेरा बैठ चुका है, टाइट कर लेना। अच्छा, पहले हैंड टाइट कर लेना है। उसके बाद मेरा टूट गया है ये, इसलिए मैं इसे कटिंग प्लेयर से टाइट कर लेता हूँ। अच्छा टाइट कर लेना इसे, नहीं तो ये जो है ना ये पीछे चले जाएगा। अच्छा टाइट कर लेना है, इसे नॉब से रखते नॉस कर लेना है। अच्छा नॉस कर लेना है, फाइल से रखती फाइल कर लेना है। ये बराबर क्लीन हो जाना पूरा ऊपर का, ऐसा फाइल कर लेना है। उसके बाद ये नॉब लगाना है, पहले ऊपर कर लेना है ताकि बैठने के वक्त परेशानी ना हो, फिर बाद में टाइट करना है। ऐसा टाइट करना है, फाइनली मेरा फ्लेयरिंग हो चुका है। देख सकते हैं कितना नीट से हो गया है फ्लेयरिंग, खोल के दिखाता हूँ आपको। बराबर ये है ना, इधर दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है आपको, इसके बराबर आना है फ्लेयरिंग। कभी भी ये बात ध्यान में रखना, देखो मेरा बराबर आया है तो लीकेज का चांसेस नहीं रहेगा। खोल लेना है, सब दिखाता हूँ आपको। देखिए फाइनली मेरा इजीली अंदर जाके बैठ गया पूरा, जल्दी निकल भी जा रहा। सो एक बार फिर आके देख लेना फिर आगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।